मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 1.4 लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिमूव हो गई है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। जो भी ये हमको नंबर्स गिवन है, इसे हमें ये बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5। यहाँ पर 2 - √5 में 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है और √5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते वो कैसे होते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ 2 जो है इसके अपॉन में 1 लगा देंगे तो P/Q की फॉर्म बन जाएगी, तो ये जो है ये कैसा नंबर बन गया हमारा, रैशनल नंबर। तो ये फर्स्ट जो है वो रैशनल नंबर है और ये जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, इरेशनल नंबर। अगर रैशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो भी इरेशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √23, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, -√23। यहाँ पर हमको पता है 3 जो है ये कैसा नंबर है, रैशनल, और ये इरेशनल नंबर है। लेकिन पहले ये सॉल्व हो रहा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटाया, 3 + √23, और ब्रैकेट हट गया, ये पीछे क्या है, माइनस का √23। ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है। कभी भी प्लस और माइनस की डिजिट सेम होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे 5 - 5 क्या होता है, 0। ऐसे ही √23 प्लस का और ये माइनस का क्या बन जाएगा, 0। सिर्फ अपने पास क्या बचा, 3। अब 3 आप जानते हैं कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि अपॉन में 1 लगा देंगे तो P/Q की फॉर्म बन जाएगी। तो ये कैसा नंबर आ गया अपने पास, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर आ गया ये कैसा है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2 / √7 / 7 / √7। अब यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में, हालांकि ये √7 जो है ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, लेकिन पहले अपन सॉल्व करके देखते हैं कि ये सॉल्व हो रहा है क्या। यहाँ पर √7 से √7 कैंसिल आउट हो रहा है। देखो अपॉन में कोई भी डिजिट सेम होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है। √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर अपने पास क्या बचा है, 2, और नीचे क्या बचा है, 7। तो 2/7 ये P/Q की फॉर्म बन गई, और दोनों इंटीजर्स भी हैं। डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पर दोनों इंटीजर भी है, Q 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा नंबर आ गया अपने पास, रैशनल नंबर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। अब 1 तो है वो अपने पास कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अपॉन में √2, अंडर रूट के अंदर कभी भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ होता है तो ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। जैसे 2 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। जैसे 4 होता है यहाँ पर, तो 4 का तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। ये मैंने आपको जब सारे नंबर एक्सप्लेन किए थे तब बताया था, यहाँ पर √2 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में इरेशनल को कभी भी डिवाइड देते हैं तो अपने पास हमेशा कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर ही आता है, इरेशनल नंबर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है पाई। मैंने बताया था पाई जो है वो हमेशा इरेशनल नंबर में आता है, चाहे 5π हो, चाहे 6π हो, चाहे 8π हो, पाई आते ही आपको आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई किस में आता है, इरेशनल नंबर में। इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमको 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम ये 3 फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये हालांकि मैंने आपको पॉलिनोमियल 2nd चैप्टर में लिखवाए थे, इसमें सिर्फ 3 फॉर्मूलाज ही यूज़ होंगे, तो ये आपको लर्न करने हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3+√3 और 2+√2। ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि ये आइडेंटिटी कब यूज़ होती है, जब प्लस का साइन हो और स्क्वायर लग रहा हो, ये आइडेंटिटी कब यूज़ होती है, जब माइनस का साइन हो और स्क्वायर लग रहा हो, और ये आइडेंटिटी कब यूज़ होती है, जब टर्म्स बिल्कुल सेम हो, एक तरफ प्लस का साइन हो एक तरफ माइनस का साइन हो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल टर्म सेम है, एक तरफ प्लस का साइन है दूसरी तरफ माइनस का साइन है, और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है और स्क्वायर लग रहा है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इनमें से तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं 3, और 3 लिखने के बाद पूरी पीछे वाली एज इट इज़ लिख दीजिए 2+√2। इसके बाद ये सेकेंड टर्म लिखते हैं, जो भी साइन हो वो एज इट इज़ +√3, और ये फिर पीछे वाली पूरी टर्म एज इट इज़ 2+√2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 6 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये रूट वाली, ये विदाउट रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं होती, तो एज इट इज़ लिख देते हैं 3√2 प्लस एज इट इज़ ये रूट वाली, ये विदाउट रूट वाली, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करा, 2√3। उसके बाद ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी रूट वाली, ये भी रूट वाली, √3 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, √6। रूट रूट वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करा, √6। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर ये जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, ये अंडर रूट वाली टर्म है, और ये सारे आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो अपना आंसर यही आ जाएगा एज इट इज़। इसके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने अभी आपको बताया था इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, क्योंकि दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, एक जगह प्लस का साइन है एक जगह माइनस का साइन है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है √2। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर साइन किसका आता है माइनस का, फिर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √9, क्योंकि √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये कितना बन जाएगा √9। √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो यहाँ पर 9 माइनस √9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 9 में से 3 गए, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 6। अब एज इट इज़ आपका यही क्वेश्चन है, पहले मैं ये वाला सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पर भी एक जगह प्लस का साइन है एक जगह माइनस का साइन है, और टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √25 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √4। अब अंडर √25 कितना होता है 5, और अंडर √24 कितना होता है 2, तो 5 में से 2 का कितने बचे अपने पास 3, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है √5 और बी की वैल्यू कितनी है √2। ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई आगे वाली डिजिट √5 मल्टीप्लाई पीछे वाली डिजिट √2 प्लस उसके बाद क्या होता है बी का स्क्वायर मतलब √2 का हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। अब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर √25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 क्योंकि ये रूट वाली है ये भी रूट वाली है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। √5 को √2 से मल्टीप्लाई करा √10 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा √4। अब इसके बाद अंडर √25 की वैल्यू कितनी होती है 5 प्लस 2√10 प्लस अंडर √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब ये और ये दोनों कांस्टेंट टर्म में सॉल्व हो सकते हैं तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 प्लस 2√10 ये अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सेम ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और समझने हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है √2 का स्क्वायर ध्यान रखना क्योंकि आगे वाली टर्म का स्क्वायर होता है मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई आगे वाली डिजिट मल्टीप्लाई पीछे वाली डिजिट प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √25 और ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि 2ab का मतलब तीनों मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई √5 को √2 से मल्टीप्लाई करा √10 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √4।
√25 5, 2√10 प्लस √4 कितना होता है 2, 5 और 2 7 प्लस 2√2 2√10। सेम ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और समझने हैं। थैंक यू।